गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। माघी पूर्णिमा को बहुत बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन कर्क राशि में चंद्रमा और अश्लेषा नक्षत्र की युति होने से शोभन योग बन रहा है। किसी भी उपाय के लिए ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, माघी पूर्णिमा 2022 में 16 तारीख को है, 16 फरवरी को। माघ मास को माधव मास की उपमा दी गई है और आज ही के दिन हमें चावल से एक उत्कृष्ट उपाय करना है ताकि जीवन में सुख शांति बनी रहे। चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया हुआ है। नवग्रहों में इनका स्थान दूसरा भी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन सुंदरता का कारक ग्रह है। जब कुंडली में चंद्रमा शुभ प्रभाव देते हैं तो जीवन में खुशी आती है, सुख शांति रहती है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। वहीं अगर यह अशुभ प्रभाव डालते हैं तो आपके जीवन में तनाव रहता है, टेंशन रहता है, समस्याओं से घिरा रहता है, तन मन से संबंधित परेशानियां होती हैं, मन भटका हुआ रहता है। तो लाख प्रयत्न करने पर भी व्यक्ति के जीवन में स्थिरता कोसों दूर रहती है। तो चंद्र ग्रह से जुड़े बहुत ही कारगर और आसान उपाय हम आपको बताने वाले हैं। इन्हें करने से चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है और उसके साथ ही मानसिक शांति का अनुभव होगा, मन की नकारात्मकता का नाश होगा और सकारात्मक विचारों का समावेश होगा। तो ध्यान रखें, माघ के पवित्र महीने में मकर राशि में सूर्य देवता का प्रवेश हो जाता है। ऐसे शुभ समय में सारे देवी देवता स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आ करके त्रिवेणी में तीर्थराज प्रयाग में आ करके स्नान करते हैं। माघ माह को माधव मास की संज्ञा दी गई है। इस बार माघी पूर्णिमा का जो महापर्व है वह है 16 फरवरी 2022 बुधवार को। पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 15 फरवरी 2022 से। मंगलवार की रात्रि 9:22 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो कि बुधवार यानी कि 16 फरवरी 2022 को रात्रि में 10:26 पर होगा। चंद्रोदय व्यापनी और सूर्योदय व्यापनी जो पूर्णिमा रहेगी, व्रत की पूर्णिमा जो रहेगी वो होगी 16 फरवरी 2022 बुधवार के दिन। माघी पूर्णिमा के इस शुभ दिन पर आपको बुधवार के दिन पर सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। ध्यान रखें, सूर्योदय से पहले ही आपको स्नान कर देना चाहिए। यदि आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल डाल करके भी आप स्नान कर सकते हैं, या किसी तीर्थ का जल अगर आपके पास है तो उन्हें भी डाल करके आप स्नान आपको करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि जो होती है वो पूर्ण तिथि होती है और पूर्ण तिथि के दिन स्वयं सिद्धि योग माना जाता है। इसीलिए आपको इस दिन शुभ कर्म करने चाहिए। मंगल कर्म करें, पूजन अर्चना करें, सिद्धि साधना करें और महालक्ष्मी की आराधना आपको करनी चाहिए। आइए जानते हैं आज के दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करने चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। आपको 2 दीपक लेना है, उनके अंदर आपको घी भरना है और 1 चुटकी हल्दी आपको डाल देनी है। ध्यान रखें, गाय का घी होना चाहिए और उसके बाद आपको ये जो दीपक हैं ये आपके घर के आसपास मुख्य द्वार के आसपास आपको लगा देना चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। ध्यान रखें, ये जो आप क्रिया करेंगे उसके साथ ही आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक भी बनाना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित होती है और ध्यान रखें ये चंद्रदेव को भी समर्पित होती है। आपके जीवन में आपके घर में जो भी तनाव होगा वो सब इससे दूर हो जाएगा। आपके घर परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपका घर हमेशा सुख शांति समृद्धि से भरा रहेगा। साथ ही साथ आज के दिन आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर की भी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और आपके घर में अखंड लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी का निवास होगा। दूसरा उपाय जो आपको आज के दिन करना है, यदि आपके जीवन में बहुत सारे दोष हैं जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, पितृ दोष हैं या अन्य कोई भी दोष है जो कुंडली में है, तो आपको एक अचूक उपाय करना है। ध्यान रखें, आपको आपके घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं आपको क्या करना है, एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, केवल एक सफ़ेद कपड़ा लेना है और उसके अंदर आपको चावल डालना है। ध्यान रखें, चावल जो डालेंगे वो घर का हर एक व्यक्ति थोड़े थोड़े चावल उसके अंदर डाल दें और साथ ही साथ एक नारियल आपको लेना है। ध्यान रखें, एक नारियल आपको लेना है और उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर ये नारियल रख देना है, अक्षत के ऊपर ये नारियल रख देना है। अब आपको इसकी पोटली बना देना है और आपको पूरे घर में इसे घुमाना है। ध्यान रखें, घर का हर एक व्यक्ति इस पोटली को छुए और उसके बाद ये जो चावल की पोटली है ये किसी भी शिव मंदिर में आपको रख करके आ जानी है। ध्यान रखें, भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को विराजमान कर रखा है तो आपको ये शिव मंदिर में ही रख करके आना है।
अगर शिव मंदिर में नहीं रख करके आ सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आपको इसका दान करना चाहिए, चावल और नारियल का दान करना चाहिए, इस पोटली सहित आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को कष्ट और संकट है वो सब समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। और इस बार की जो पूर्णिमा है वो बुधवार के दिन है, बुधवार के दिन होने से आपके जीवन में जो भी मानसिक तनाव होगा वो इन उपायों से, चावल का निश्चित तौर पे उपाय तो ज़रूर करना है, उससे आपके जीवन में सुख शांति और वैभव की प्राप्ति होगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।